नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित हैं। आज आपको बताएंगे कि क्या आपके हाथ पे मेडिटेशन या मोक्ष की साइन है। हस्तरेखा में इसको हम कहां पर देखें? जब भी मोक्ष की बात आती है, नॉलेज की बात आती है, ज्ञान की बातें आती है, धर्म की बात आती है, तो हस्तरेखा में गुरु के माउंट को देखते हैं, गुरु के पर्वत को देखते हैं और यहां पर बनी हुई साइन के शुभ चिन्हों को देखते हैं। जैसे कि अगर गुरु के माउंट के ऊपर ये साइन बनती है, ये फिश साइन होती है, ये फिश साइन है। फिश साइन की एक ही क्वालिटी होती है कि इनमें मूंछ और पूंछ दोनों बननी चाहिए। अगर ये गुरु के माउंट की तरफ देखती है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, आध्यात्मिक के क्षेत्र के परमात्मा को मानकर, जीवन में परमात्मा को मानकर ऐसे लोग परमात्मा के शरण में जाना चाहते हैं। कई लोग कि ज्ञानी आदमी होते हैं, ऐसे लोग परमात्मा का एक बिंदु आकार मानकर अपने जीवन के उद्धार के लिए परमात्मा की शरण में जाते हैं। ऐसे लोगों को कह लो कि एक तरह का इंट्यूशन होता है कि जो भी सत प्रतिशत करें और वो परमात्मा के भक्ति को मानकर करें। लेकिन अगर यही फिश साइन ये सेंटर में बन जाए, ये सेंटर में अगर बन जाती है फिश साइन, तो इसका प्रभाव उसके उल्ट हो जाता है और ये इसका प्रभाव ये बीच में झूलते हैं। ऐसे लोग बीच में झूलते हैं, कई बार परमात्मा की तरफ भी झुकेंगे और कई बार अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए ही ऐसे लोग झुकते हैं। ये दोनों तरफ झूलते हैं, इनको किसी एक पे विश्वास कह लो नहीं होता है। परमात्मा की तरफ मान के आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाए या खुद का मेडिटेशन करें, अपने कल्याण के लिए करें, तो ये दोनों तरफ झूलते हैं। लेकिन अगर यही शनि के माउंट की तरफ झुकती है, ये शनि के माउंट की तरफ यहाँ पे एक फिश साइन ऐसे बनती है, ये सेंटर में होना चाहिए, तो ऐसे लोग अपने कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ, मन वैराग्य की तरफ, कहीं ना कहीं अपने कल्याण के लिए, अपने किसी तरह से अपने कल्याण को पाने के लिए, चाहे मेडिटेशन का सहारा ले या किसी विश्व कल्याण के लिए, अपने आप को उससे जोड़ने के लिए सहारा ले, लेकिन अपना खुद का उनका होगा। लेकिन अगर ये फिश की साइन शनि के माउंट की तरफ है, तो ये ऐसे लोग मेडिटेशन का काम करते हैं। लेकिन जैसे कई कई ऐसे महा सदगुरु हुए हैं, जैसे वो अपने कल्याण के या जगत के कल्याण के लिए भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो वो अपने कल्याण के लिए ही माने जाते हैं। या मेडिटेशन को करके या मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने कल्याण की बातें करेंगे, तो जीवन में ऐसे लोग देखा गया है कि अगर जिसके हाथ में यहां पर शनि और गुरु के फिंगर के साथ में अगर अटैचमेंट होती है, तो अपने कल्याण के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, गुरु कल्याण के लिए और परमात्मा के मोक्ष के दरवाजे को अपनाते हैं और कहीं ना कहीं उसके तलाश में अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।